आज हम करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में आपको एक तरह की डिस्क्रिप्शन दी गई होती है जो कि किसी इवेंट के बारे में, किसी ओकेजन के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में लिखा गया होता है, जिसको कि आपने नोटिस के फॉर्म में लिखना होता है। उसको आप 50 to 60 वर्ड्स में ही आपने उसको कंप्लीट करना पड़ता है। इसको लिखने के लिए हमें जिन जिन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है वो इस तरह से हैं। सबसे पहले इसको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना होता है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड पर्सन आई यू वी हमने यूज नहीं करने पड़ते, हमेशा ही शी दे ही यूज करने हैं, मीन्स थर्ड पर्सन ही यूज करना है। और जब हम नोटिस लिखते हैं सबसे ऊपर हम उसको क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, उसके नीचे एक जो बॉक्स होता है उसमें नोटिस लिखते हैं, फिर उसमें हम डेट डालते हैं, फिर हेडिंग डालते हैं, मींस हम नोटिस किस बारे में लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, हेडिंग मींस उसका सब्जेक्ट डालते हैं। फिर आ जाते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है वो इस तरह से हैं। इसको हमेशा 50 to 60 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना पड़ता है और उसमें हमने नीचे डे टाइम और वेन्यू मेंशन करना पड़ता है, मींस किस डेट को जो होने वाला है, जो भी इवेंट है या ओकेजन है वो किस डेट को होने वाला है, उसका टाइम क्या होगा, वेन्यू मींस वो किस जगह पे होने वाला है। 50 to 60 वर्ड्स मींस हमने जब भी आप देखेंगे उसका जो हमें क्वेश्चन दिया गया होता है नोटिस का, वो हमेशा लिखा होता है राइटिंग विद इन 50 वर्ड्स, उसको आपने 50 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना पड़ता है। बट अगर आपका एक दो वर्ड इधर उधर हो जाए तो दैट डज नॉट मैटर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ध्यान में रखने पड़ते हैं बिफोर राइटिंग नोटिस। नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन बॉक्स। नोटिस को हमेशा हम बॉक्स में, जो आपको शीट दी गई होती है, जो आपकी कॉपी होती है, उस पर हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है, उस बॉक्स के अंदर हमने नोटिस लिखना होता है। नोटिस ऑलवेज एंड्स विद सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। नोटिस जब भी खत्म होता है, जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके नीचे हम लोग सिग्नेचर डेजिग्नेशन डालते हैं, मीन्स कौन इंसान है जो इस नोटिस को लिख रहा है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, वो हमने नीचे लिखना पड़ता है। उसके बाद मार्किंग स्कीम, कि नोटिस की मार्किंग स्कीम किस तरह से, उसमें आपको नंबर किस किस तरह से बांट के दिए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेट टाइटल। फॉर्मेट टाइटल में क्या आता है, नोटिस जो आप बॉक्स में लिखते हैं सबसे ऊपर नोटिस, उसकी हेडिंग डालते हैं, प्लेस डेट सिग्नेचर विद नेम एंड डेजिग्नेशन, वो 1 mark के होते हैं। आगे आगे कंटेंट्स, कंटेंट्स हो गया जो मेन उसकी बॉडी है, वेयर व्हेन व्हाई टारगेट ग्रुप एंड एजेंडा, ये सब वर्ड्स होते हैं 50 वर्ड्स में ही आपने लिखने होते हैं, ये 2 mark के होते हैं। अब आ गया एक्सप्रेशन, कोहेरेंस स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो होती है वो 2 mark की होती है। जो आगे इसकी मार्किंग स्कीम वो किस तरह से होती है, मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो नीचे वाला, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ऊपर नोटिस लिखना है, आपने उसमें हेडिंग डालना है, डेट डालनी है, और वो जो नीचे सिग्नेचर और डेजिग्नेशन होती है वो 1 mark के होते हैं, मेन बॉडी 2 mark की होती है, और आप उस तरह से उसमें किस तरह की स्पेलिंग्स यूज कर रहे हैं, किस तरह की उसमें ग्रामेटिकली एक्यूरेसी है, वो किस तरह की यूज हो रही है, उसके 2 mark होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि इसको किस तरह से हमें लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ GDG पब्लिक स्कूल पूना, ड्राफ्ट नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे बोला था कि जब भी आपको क्वेश्चन लिखा गया होगा वहां पे लिखा गया होगा 50 वर्ड्स। फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेल ऑफ द ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स ऑफ योर स्कूल, जुआ रोहिणी उब्लिक रोहित। उसने कहा आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो किस स्कूल के, GDG पब्लिक स्कूल पुणे, आपने एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, एक नोटिस बनाना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जो नोटिस है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो नोटिस है आपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगाना है, इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को कि आपके स्कूल के जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं जो पुराने हो चुके हैं उनको बेचा जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है, आप क्या है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है वहां के, आप रोहिणी या रोहित कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया गया है। जब भी आप अपनी कॉपी पे इस बॉक्स को बनाएं, उसके बाद यहाँ पे जब भी आप हेडिंग डालते हैं, स्कूल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डालते हैं,
ऊपर एक थोड़ी सी लाइन छोड़ देनी है आपने, क्योंकि आपकी जो है कॉपी रूलिंग होती है, रूलिंग शीट्स पे आपको पेपर में भी वही दी जाती है रूलिंग शीट्स, तो आपने क्या करना है एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है जो भी आपको ऊपर दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है GDG पब्लिक स्कूल, आपने वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़ देनी है इसके बीच में, फिर आपने लिखना है नोटिस। फिर आपने इस तरफ चले जाना है लेफ्ट हैंड साइड, वहां भी एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है आपने जो भी आप डेट, जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आ गया है हेडिंग, सेल ऑफ ओवर स्पोर्ट्स गुड्स। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा इसका क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा था किस किस लिए ये ड्राफ्ट किया जा रहा है नोटिस, सेल ऑफ ओवर स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, तो आपने जो हेडिंग डाल दिया सेल ऑफ ओवर स्पोर्ट्स गुड्स। आप इसको इस साइड पर भी लिख सकते हैं, जब अगर आपकी मर्जी करती है इसको हम बीच में लिख लें, जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा है वैसे आप इसको बीच में भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया बीच में, अब मेन बॉडी इसकी, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। अब ऊपर क्या क्या था कि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, आपने बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि हमारे जो है स्पोर्ट्स गुड्स हैं जो कि पुराने हो चुके हैं उनको हम बेच रहे हैं, ठीक है। आपने बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, आप कुछ भी वेन्यू लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं कि ये जो ऑक्शन है किस दिन होने वाली है, किस जगह पे होने वाली है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए सेल ऑफ इट्स ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स लाइक क्रिकेट बैट्स, बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस रैकेट्स, फुटबॉल्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल गियर एक्स्ट्रा इन दी पीई रूम ऑन 21st अगस्त 2020। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो डेट डाली है, तो जिस दिन हम बच्चों को नोटिस लिख रहे हैं हमने तकरीबन उसके थोड़े दिन बाद भी लिखना है, 2-4 दिन के बाद की डेट डालनी है, ये नहीं है कि आप उसके पहले की डेट डाल दें। जब आप किसी को नोटिस इन्फॉर्म कर रहे हो तो वो बात आगे होने वाली होती है, इसलिए आपने 2-4 दिन आगे की डेट डालनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ स्पोर्ट्स गुड्स के नाम लिखे हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है जहाँ पे डालना। तो ये जो ऑप्शन है वो पीई रूम में होने वाली है 21st अगस्त 2020। अब हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर कोई उनको लेना चाहता है तो वो इंटरेस्टेड है तो वो वहां पे आ सकता है। दोस इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दीज कैन विजिट दी पीई रूम ऑन दी असाइंड डेट ड्यूरिंग दियर फ्री पीरियड्स आर सेस टाइम। कोई भी आप 5th पीरियड लिख सकते हैं या फिर कोई टाइम लिख सकते हैं जो आपका, मैंने वहां पे डाला था कि आपने टाइम डेट और वेन्यू डालना है, यहाँ पे टाइम आ गया, डेट डाल दी, वेन्यू डाल दिया उन्होंने पीई रूम, ठीक है जी। आपका मन करता है ऑडिटोरियम लिख सकते हैं, आपका मन करता है तो ग्राउंड लिख सकते हैं, जैसा आपका मन है, क्योंकि क्वेश्चन पे ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। अगर मेंशन किया गया होता, बताया गया होता, तो फिर आपने डालना था। जहां पे नहीं लिखा तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि और क्या चीज हमने ध्यान में रखनी है नीचे, कि कौन लिखने वाला है वहां पे, वहां ऊपर लिखा था रोहिणी उब्लिक रोहित, यहाँ पे आपने वही नाम डालना है और डेजिग्नेशन डालनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन दिया गया था ऊपर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, वही डेजिग्नेशन आपने यहाँ पे लिखनी है जो वहां पे लिखी गई है। होप है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से लिखना है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको करके अभी बताऊंगी। एग्जाम्पल सेकेंड है, यू हैव फाउंड एन एक्सपेंसिव ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ड्राफ्ट ए नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, यू आर रानी क्लास 12 एंजल स्कूल फरीदाबाद। यू हैव फाउंड, आपको क्या मिल गया है, एक एक्सपेंसिव ज्योमेट्री बॉक्स मिल गया है, आपने क्या करना है, आपने क्या लिखना है फाउंड ए ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। आपने इस तरह से नोटिस को ड्राफ्ट करना है, जहां भी देखिए इसमें भी क्वेश्चन में 50 वर्ड्स ही लिखे गए हैं, तो आपने मिनिमम 50 वर्ड्स में उसको कंप्लीट करना ही करना होता है, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने पहले बताया आपको कि आपको हमेशा एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे कि जहां बनाया गया है देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स, और जब आप बॉक्स बनाए उसके बाद जब आप लिखना शुरू करें ऊपर से आपने एक लाइन छोड़नी है जहां से, फिर आपने अपने स्कूल का जो भी जहां पे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है, जैसे जहां पे लिखा है वही हमने जहां पे लिखा है, उसके बाद फिर से आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर नोटिस लिखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड चले जाना है और जहां पे आपने डेट, कौन सी डेट, जिस डेट को आप ये वाला नोटिस लिख रहे हैं, उसके बाद आ गया आपका हेडिंग फाउंड ए ज्योमेट्री बॉक्स बॉक्स।
आपने क्या सब्जेक्ट मींस आप किस चीज पे जो नोटिस लिखने वाले हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आपने ऊपर नोटिस में क्वेश्चन में पढ़ा तो वहां पे लिखा था किस बारे में था कि उनका एक ज्योमेट्री बॉक्स घूम गया है, तो वो बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर आपको मिल गया है तो आप हमें यहाँ पे उसको वापस कर दें। फाउंड ए ज्योमेट्री बॉक्स, हैव फाउंड ए रेड कलर एबर कैस्टल ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द एट्थ पीरियड यस्टरडे। ऑनर मे कॉन्टेक्ट द अंडर साइंड इन हर क्लास बिटवीन द सिक्स एंड द सेवन्थ पीरियड। देखिए जहां पे भी उसने अपनी मर्जी से कुछ भी वहां ऊपर मेंशन नहीं किया गया था कि कौन से पीरियड में आए या कौन से डे पे आए, तो आप कुछ भी यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। डेट आपने अपनी मर्जी से डालनी है, वेन्यू आपने अपनी मर्जी से डालना है और टाइम भी आपने अपनी मर्जी से डालना है अगर ऊपर मेंशन नहीं किया गया हो तो। बाद में वहां पे मेंशन किया गया था कि कौन लिख रहा है, किसकी तरफ से जो नोटिस लिखा जा रहा है, तो जहां पे लिखा था रानी, तो आपने रानी क्लास कौन सी थी, क्लास 12th थी, जो आपका वहां पे लिखा गया हो। अगर नहीं लिखा गया है तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, बट अगर वहां पे लिखा गया है तो आपने वही चीजें वहां से उतारनी है। और आप देखिए इसको एक चीज ध्यान से देखिए कि देखो मैंने आपको बोला था कि थर्ड पर्सन में होता है, देखिए यहाँ पे कहीं आई हुई यू यूज हुआ है नहीं, तो हमेशा जो नोटिस होता है वो थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है, उसमें कभी भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज नहीं किए जाते हैं। होप है कि आपको समझ अच्छी तरह से ये नोटिस जो है समझ आ गया होगा। आप कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको दूंगी और आप इनको अपने घर में करने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू ए सडन लैंडस्लाइड एंड इनक्लेमेंट वेदर सेंट फ्रांसिस स्कूल वास्को हैज टू बी क्लोज्ड फॉर ए वीक। एज प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी डिस्प्लेड एट द स्कूल मेन गेट नोटिस बोर्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ लालवनी पब्लिक स्कूल उदयपुर। ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट्स टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। इन्वेंट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स। साइन एज लल्ली तुबली ललिता। असाइनमेंट नंबर 3 है, यू लॉस्ट योर टाइटन रिस्ट वॉच इन योर स्कूल। ड्राफ्ट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी प्लेस्ड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ रानी अहल्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। साइन एज रानी उब्लिक राम। ये जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन करके प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि आपने ठीक या गलत। इसके अलावा अगर आपको किसी चैप्टर्स में, क्लास 10th के किसी भी चैप्टर में या पोएम में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स दिए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको नोटिस में कुछ चीज समझ नहीं आई प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।